जय जिनेन्द्र। डिस्क्लेमर पढ़ना अनिवार्य और मैंडेटरी है। इंट्राडे लेवल निफ्टी, बैंक निफ्टी ऑप्शन एंड डाटा एनालिसिस 13 जुलाई 2022 के लिए अपने करेंगे। मैंने कल भी आपको वीडियो में कहा था, मैं अभी मार्केट में नहीं हूँ, तो मैं जो भी आफ्टर मार्केट में देख लेता हूँ क्या है डाटा और वो सब, तो उससे जो भी कुछ गलत हो जाए तो क्षमा कर दे। डाटा बहुत ही ख़राब है, कल मार्केट मुझे लग रहा है गैप डाउन से खुलना चाहिए, और लेना तो नहीं है, नीचे के भाव में लेंगे, नहीं तो लेंगे नहीं कर। चलिए डाटा एनालिसिस कर लेते फटाफट। डाटा एनालिसिस है 12 जुलाई के डाटा है, 13 जुलाई 2022 को क्लाइंट ने इंडेक्स में 12488 एड किए हैं, और एफआईआई ने 33,831 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए हैं इंडेक्स फ्यूचर में आज। तो अब उनके फिर वापस 1,00,000 के ऊपर चले गए, 1,03,168, और प्रो ने 18,824 कॉन्ट्रैक्ट बाई किए, उनके जो शॉर्ट थे उसमें से घटकर 14,943 कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं। इसी तरह कॉल में देखिए, इंडेक्स कॉल में क्लाइंट 2,44,000 कॉन्ट्रैक्ट बाई किए, जो 78,000 का सेल थे आज 2,44,000 माने लेस करके 1,66,176 कॉन्ट्रैक्ट बाई में आ गए। एफआईआई 50,923 कॉन्ट्रैक्ट बेच दिए, माने अब लॉन्ग में वो 31,645 कॉन्ट्रैक्ट के इंडेक्स कॉल में लॉन्ग है, और प्रो ने 1,93,590 कॉन्ट्रैक्ट इंडेक्स कॉल के शॉर्ट कर दिए, तो उनके नेट पोजिशन 1,98,539। कल मेरे हिसाब से लग रहा है ब्लैक वेडनेसडे नहीं बन जा रहे, ये नोट कर लेंगे। और इंडेक्स पुट में क्लाइंट ने जम के 1,40,000 कॉन्ट्रैक्ट बेच दिए, तो नेट बेसिस पे 1,84,511 कॉन्ट्रैक्ट बेचे हैं, माने सब जगह कॉल में तेजी, पुट में तेजी और इंडेक्स फ्यूचर में तेजी, और यही तो एफआईआई को चाहिए था, कॉन्फिडेंस में ला के अब मारेंगे। और एफआईआई ने इंडेक्स पुट में 36,000 कॉन्ट्रैक्ट बाई किए, लॉन्ग किए हैं, तो 1,89,578 कॉन्ट्रैक्ट उनके लॉन्ग दिखा रहे हैं, लेकिन उन्होंने पुट शॉर्ट किए हैं। यहाँ पर डाटा में आप देख लिए 38,293 जो लॉन्ग थे उसमें से घटाए हैं, और प्रो ने 1,03,867 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए, गलत लिखा, बहुत मिनट आएगा, बाई किए हैं, तो उनके 1,41,000 कल शॉर्ट थे, आज सिर्फ 37,688 कॉन्ट्रैक्ट ही शॉर्ट है। तो कल मेरे हिसाब से डीडीए रहना चाहिए ब्लैक वेडनेसडे, मेरे हिसाब से अब हो नहीं हो मुझे पता नहीं है। चलिए अपने फटाफट देख लेते हैं आगे में उसके क्या किया है। एस पर प्रोविजनल डाटा अवेलेबल ऑन द एनएससी वेबसाइट से लिए है। 1978 नेट में आज इंडेक्स फ्यूचर में एफआई ने 2815 करोड़ की बेच दिया है, और एफआई ने केस में 1565 करोड़ का माल बेचा है, तो ये आप डाटा नोट कर लेवे। और आपका स्टॉक फ्यूचर में भी तकरीबन मेरे हिसाब से 1500 करोड़ का माल बेचा हुआ है, तो हर जगह उन्होंने सेल किया है। तो कल मेरे को लग रहा है कि नीचे ही रहना चाहिए, बाजार गैप डाउन ही खुलना चाहिए, यदि अपने लेंगे तो 15800 का कॉल लेंगे, 800 के पास आवे तब लेना है, नहीं तो नहीं लेना है। यदि आपको डाटा एनालिसिस वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, और इस चैनल से जो नए जुड़े हैं चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। मेरे लेवल पर ट्रेड लेने से पहले डिस्क्लेमर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर से पढ़ें, और मेरे लेवल पर ट्रेड लेने से पहले आप अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही मेरे लेवल पर ट्रेड करें। यदि आपको कोई भी प्रॉफिट और लॉस होता है तो इसका जिम्मेवार मैं और मेरा चैनल नहीं है। वेडनेसडे 13 जुलाई 2022 निफ्टी स्पोर्ट बिलो 16,080 के नीचे सेल कीजिए, सपोर्ट 15,955, 15,880 और 15,800 तक आ सकता है। यदि 955 टूटी या 920-55 तो ये 15,800 तक आ सकता है, वहाँ पर अपने को कॉल लेना है। यह मूविंग एवरेज देख लीजिए, मूविंग एवरेज 16,063 उसके नीचे आज बन गया है, तो बाजार खराब ही है। तो नेक्स्ट जो आ रहा 15,764 और 15,951 टूटा यानी 15,764 800 तक आ जाएगा मार्केट। वेडनेसडे 13 जुलाई 2022 निफ्टी 16,000 का पुट वीकली वाला है, वो 75 के ऊपर बाई कीजिए, सपोर्ट 62 रुपया 51 रुपया रखिए, रेजिस्टेंस 92 110 125 तक जा सकता है।
दिस स्लाइड्स वीडियो इज फॉर एजुकेशन एंड लर्निंग पर्पस ओनली। वेडनेसडे 13 जुलाई 2022 के लिए निफ्टी 15,800 का कॉल वीकली वाला। पहले तो बेचना है, बिलो 2,800 के नीचे सेल कीजिए। ऊपर में रेजिस्टेंस 290 से 310 का रखना होगा और सपोर्ट 161 और 135 तक आ सकते हैं, माने ऊपर से 115 पॉइंट मिलेगा 2,800 के नीचे बेचेंगे। और बाइंग रेंज रहेगा इसका 135 से 110 के पास, 80 रुपए का स्टॉप लॉस लगा। वेडनेसडे 13 जुलाई 2022 के लिए बैंक निफ्टी स्पोर्ट बिलो 35,200 के नीचे सेल कीजिए। सपोर्ट 34,980 34,825, रेजिस्टेंस ऊपर 35,350। ये बैंक निफ्टी का मूविंग एवरेज है, ये आप देख सकते हो। वेडनेसडे 13 जुलाई 2022 के लिए बैंक निफ्टी 35,000 का कॉल वीकली वाला, जहां घटे हुए 310 से 260 के पास लेना है। सपोर्ट 205 का, रेजिस्टेंस ओपन आरएसटी ओपन माने 100 से 125 पॉइंट के लिए सौदा कर सकते हैं। वेडनेसडे 13 जुलाई 2022 के लिए बैंक निफ्टी 35,000 का पूर्ण वीकली वाला, अबव 146 के ऊपर चले तो लीजिएगा। सपोर्ट 52,65 का रखना होगा, रेजिस्टेंस 210 290 तक जा सकता है। If you like our stocks level Nifty, bank Nifty stocks and option level and data analysis, please press like, share and subscribe our YouTube channel. यदि आपको मेरे Nifty, bank Nifty और stocks और option level और data analysis अच्छी लगती हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा please like, share and subscribe जरूर से करें। और इस चैनल से जो नए जुड़े हैं वो चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें और पास वाली बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूं तो आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिले। यदि आप निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक्स और ऑप्शन लेवल पर ट्रेड लेने से पहले सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा लेकर ही मेरे स्टॉक्स लेवल पर काम करें। यदि आपको कोई भी प्रॉफिट लॉस होता है इसका जिम्मेवार मैं या मेरा चैनल नहीं है। This slides video is for education and learning purpose only. Any query, WhatsApp numbers 9830555353. Thank you for watching our channel. मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जिनेंद्र दोस्त।